सभी 69,000 वाले बच्चों को माला पहनाना चाहिए कि उनके संघर्ष की वजह से ये परिणाम आया। कि आप अननेसेसरी अपने चैनल चलाने के लिए उनका नाम मत लिया करो, वो कुछ है ही नहीं। वो क्या है, मुख्यमंत्री जी डांट देंगे तो अभी चुप हो जाएंगे 2 घंटे। सच्चाई है, मुझे किसी ने बताया कि अगर वो डांट दे मुख्यमंत्री जी तो पता ही लगेगा वो डिप्टी सीएम है कौन। तो नहीं मानते आप पता कर लेना। देखिए ये मेरे बहुत महत्वपूर्ण बात है जो बात आप कह रहे हो। मैं इस बात को थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं। बीजेपी की नियत और मंशा हमेशा रही है कि खिलवाड़ हो, लोगों में एक दूरी बने, लोगों में झगड़ा लगे, लोगों में बंटवारा हो, लोगों के बीच में खाई पैदा हो। सबसे पहले जब मेरिट से भर्ती पुलिस की हुई थी, उस समय जो परिणाम बना था वो पहले जो व्यवस्था थी आरक्षण की उसके तहत बना था। पूरा रिजल्ट बना हुआ कोर्ट में रखा था, क्योंकि हमारी सरकार नहीं बनी समाजवादियों की और बीजेपी की सरकार आ गई। उस समय तक ये फैसला आ गया था कि जो पिछड़े और दलित के लोग हैं उनको अपनी कैटेगरी में रखना पड़ेगा, उस कैटेगरी से बाहर नहीं जा सकते। हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, हालांकि मूल भावना जो आरक्षण की उसके खिलाफ थी, मूल भावना से खिलवाड़ लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो जो बच्चों का रिजल्ट घोषित हुआ था वो पहले वाला जो रिजल्ट बना था, जिसमें जनरल में भी बच्चे आए थे बैकवर्ड और दलित, वो रिजल्ट बना था। 4 दिन बाद रिजल्ट बदल दिया बीजेपी की सरकार ने और उन्होंने कहा कि नई जो व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आई है उसके माध्यम से रिजल्ट बनेगा। तो उस समय 1800 बच्चे पिछड़े और दलित के लोगों की नौकरी चली गई थी, क्योंकि जब जनरल से वो नीचे आएंगे तो उस कैटेगरी के बच्चों को बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये जितना कुछ घोटाला और घपला किया है, इस सरकार की जिम्मेदारी है। आरक्षण से खिलवाड़ सरकार ने की है और सरकार अपना भ्रष्टाचार, अपना गलत काम छिपाने के लिए बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही थी। ये मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है और मुख्यमंत्री जी अगर रास्ता नहीं निकाल सकते 69,000 का, तो उन्हें कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। और क्योंकि उन्होंने न केवल पिछड़े दलितों के साथ खिलवाड़ की है बल्कि जो बच्चे निकलेंगे उनके भविष्य के साथ भी खिलवाड़ की है उन्होंने। 69,000 वाले तमाम नौजवान और शिक्षक जिन्होंने लगातार आंदोलन किया, उनके संघर्ष को मैं बधाई देना चाहता हूं और आने वाले समय में जो उन्हें नियुक्ति मिलेगी उसके लिए भी उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब सरकार कितना ट्रांसपेरेंट तरीके से और जो कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है सरकार की और सरकार कितना निभाएगी उस पर डिपेंड करता है कि सरकार कितनी ट्रांसपेरेंट है, जिससे कि बच्चों को न्याय मिल जाए। दूसरा विषय यह है कि सरकार लगातार ये कहती है कि जीरो टॉलरेंस उनका है लॉ एंड ऑर्डर के इशू पर। शायद पूरे देश में कहीं ऐसी घटना नहीं हुई होगी जहां ठेकेदार AJEE इंजीनियर्स मिलकर के पहले तो घपला घोटाला करें, भ्रष्टाचार करें और कोई कारण ऐसा बने इंजीनियर की हत्या हो जाए, सोचिए, अपने पेमेंट को लेकर के, अपने मुनाफा को लेकर के हत्या हो जाए। और किस जिले में, सुल्तानपुर जो लखनऊ से बिल्कुल करीब है, लखनऊ के बाद थोड़ा ही हिस्सा है जो अमेठी का पड़ता, वरना सुल्तानपुर जिला है राजधानी के बिल्कुल पास वाले जिले में। और कोई हफ्ता नहीं बचता जिस दिन मुख्यमंत्री खुद न कहते हो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, उनके अधिकारी ना कहते हो, अगर कोई बात विपक्ष कहता है तो उसकी काट के लिए अधिकारियों को आगाह कर देते हैं और उन्हीं अधिकारियों के माध्यम से अन्याय कराते हैं। कोई सोच सकता है कि एक पेमेंट को लेकर के AJEE की हत्या हो जाए, एक इंजीनियर की हत्या हो जाए, तो सोचिए कितने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में चल रहा है। और मुख्यमंत्री जी कहते हैं मुक्ति
जब तक बीजेपी से मुक्ति नहीं होगी तब तक न गरीबे की मुक्ति होगी न कहीं भ्रष्टाचार की मुक्ति होगी। बीजेपी से मुक्ति होने का मतलब है तमाम परेशानियां दुख संकट से मुक्ति होना। और अब जिस बात को हम सब लोग कहते रहे कि संविधान और आरक्षण पे निगाह है भारतीय जनता पार्टी की, उन्हें जब मौका मिलता है आरक्षण से खिलवाड़ करते हैं, संविधान की कैसे धज्जियां उड़ाएं, कैसे उसमें क्या रास्ता निकाला है जिससे अपने लोगों को वो संतुष्ट कर दें या खुश कर दें, अपने लोगों को कुर्सी पे बैठाने के लिए जो लेटरल एंट्री का खेल चल रहा है कोई पहली बार नहीं हो रहा है, न इसमें आरक्षण है न इसमें संविधान की कहीं जो व्यवस्था है उसका पालन है, अपने लोगों को खुश करने के लिए लेटरल एंट्री कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल चुनाव के समय हम लोगों ने पूछा था, मन से रखा था, हम और आप सबने देखा कि उत्तर प्रदेश से लेकर के देश में नैनो यूरिया खरीदवा दी गई। सुनने में ही आ रहा है, हो सकता है ये बात आपकी भी जानकारी में हो कि नैनो यूरिया वाले भी लेटरल एंट्री से आए थे, ना नैनो यूरिया से कोई किसान को लाभ पहुंचा है और अभी तक कोई सरकार के पास रिपोर्ट नहीं है जिसके माध्यम से ये बता सके कि नैनो यूरिया से इतना लाभ किसानों को पहुंचा है। जो लेटरल एंट्री से लाए थे वही नैनो लेकर के आए थे, यूरिया नैनो, और लेटरल एंट्री वाले बहुत सारे लोग जिस तरीके से भारत से उद्योगपति भागे थे उसी तरीके से लेटरल एंट्री से नौकरी पाने के बाद कुछ भ्रष्टाचार कर करके भारत छोड़ के चले गए वो। तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी किसी नए भ्रष्टाचार की तैयारी कर रही हो और लेटरल एंट्री वाले लोगों से करा करके वो फिर भाग जाए भारत छोड़। सुल्तानपुर के जल निगम के इंजीनियर की हत्या होना ये बताता है कि जीरो टॉलरेंस जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए जीरो हो गई है, और आए दिन अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अभी कन्नौज की खबर मैंने अखबार में पढ़ी कि एक चौकी इंचार्ज किसी प्रधान पर दबाव बना रहा है कि एसी लगवा लें। बताओ अब तो मौसम भी अच्छा हो गया, एसी क्या जरूरत है, अब तो पंखे से सो सकते हो। बताइए मौसम अच्छा हो गया, उस समय भी पुलिस नहीं मान रही है, दबाव बना रही एसी के लिए। यह है इनका जीरो टॉलरेंस करप्शन का। और आपके विभाग के बारे में मैंने बोला, आपके विभाग के बारे में, आपके विभाग में भ्रष्टाचार है उत्तर प्रदेश का, आप सब जानते हो जितने खड़े हैं। सुनने में आया कि 1000 होल्डिंग का पैसा लिया जाता है, लगती 200 ही है।